रविकांत, कितना वक्त लग सकता है इन्हें ईडी दफ्तर लाने में यहां से सीएम हाउस से? देखिए इस समय रात में करीब 15 से 20 मिनट का समय लग सकता है। 20 मिनट की ये दूरी है क्योंकि रास्ता एकदम क्लियर है, विशेष परिस्थिति है तो 15 से 20 मिनट के भीतर निश्चित रूप से वो ये जो कॉन्वॉय है वो ईडी दफ्तर आ जाएगा। ईडी दफ्तर में सारी तैयारियां हैं, अधिकारी मौजूद हैं, सड़कें खाली करा ली गई हैं और किसी भी तरीके से उनको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होगी उस कॉन्वॉय को। और 15 से 20 मिनट में आप जानिए कि निश्चित रूप से ईडी दफ्तर केजरीवाल को ले जाया जाएगा। बिल्कुल, तो अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, ईडी दफ्तर लाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। अब से थोड़ी देर पहले सीएम हाउस में ही मौजूद थे लेकिन आपने वो तस्वीरें एबीपी न्यूज पर सबसे पहले देखी जब गाड़ियों का ये पूरा काफिला वहां से रवाना हुआ था। ये देखिए, इन्हीं में से गाड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मौजूद और ईडी दफ्तर उन्हें अब लाया जा रहा है, गिरफ्तार उन्हें कर लिया गया है। आगे क्या होगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि सुबह जब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा क्या किसी तरह की उन्हें कोई राहत मिल पाएगी या आने वाले वक्त में, आने वाले कुछ घंटों में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, यह सवाल बना हुआ है। यह वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबा आंदोलन चलाया, उसके बाद राजनीतिक पार्टी बनाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने लेकिन आज करप्शन के मामले में ही आरोपी हैं। शराब नीति मामले में उन पर कई गंभीर आरोप और अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दीपक के पास एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर ही दीपक मौजूद हैं। अभी दीपक वहां क्या देख पा रहे हैं आप लोग, क्या कह रहे हैं? देखिए अखिलेश, रोड पर अभी भी थोड़ा तमाम जो सपोर्टर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और ये देखिए तमाम गाड़ियों को रोक दिया गया है क्योंकि यहाँ से ही ईडी की टीम जो है केजरीवाल को लेकर निकली है, गिरफ्तार कर लिया। देखो लोकतंत्र खत्म कर दिया, नरेंद्र मोदी हिटलर है साबित कर दिया है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम नरेंद्र मोदी कर रहा है, नरेंद्र मोदी की ईंट से ईंट बजा देंगे। कह रहे ना भ्रष्टाचार के आरोप थे, समन पर क्यों नहीं गए? राहुल गांधी के सिपाही अंकित प्रधान अब यहाँ आ गए, पूरे हमारे अध्यक्ष हरविंदर सिंह लवली, डॉक्टर उदित राज जी, दीपक बावरिया जी, सब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। दिल्ली कांग्रेस है, कांग्रेस दिल्ली यूथ के अध्यक्ष है और डरने वाले नरेंद्र मोदी। मैं महिला विंग से हूँ, आज यहाँ पे इन लोगों ने दिखा दिया है कि ये लोग रात के अंधेरे में ही चोरों की तरह काम कर सकते हैं। पार्टी कैसे चलेगी केजरीवाल? सीबीआई और ईडी के दम पर आचार संहिता लग चुकी है फिर भी एक चुने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया रहा, यानी कि इस देश के अंदर तानाशाही लागू हो चुकी है। और किस तरीके से ये आज अरविंद केजरीवाल को नहीं गिरफ्तार किया गया, 140 करोड़ जनता को गिरफ्तार किया गया। जब जब मोदी डरता है मोदी के है दो जमाई ईडी और ये, तो ये तमाम लोग जो देखिए आप अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से कहीं यहाँ पर परेशान। बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, कांग्रेस के भी नेता वहाँ पर मौजूद है, वो बेहद आक्रोशित है और तानाशाही के आरोप वो केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब उनके घर से ईडी दफ्तर लाया जा रहा था उस दौरान की तस्वीरें हैं। लगभग 10-12 मिनट का वक्त और लगेगा, ईडी दफ्तर उनका गाड़ियों का काफिला पहुंच जाएगा। आगे क्या होगा अजातिका से जानते हैं। अजातिका, जब यहां पर मुख्यमंत्री को ले आया जाएगा आगे क्या होना है और क्या कुछ औपचारिकताएं हैं? जी बिल्कुल, देखिए ईडी दफ्तर की ही तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ और जैसे कि आप सवाल पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो आगे वो लंबी सवालों की फहरिस्त है जो ईडी के दफ्तर में ईडी के अधिकारियों के पास होगी, उन तमाम फहरिस्त पर जवाब लिए जाएंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरविंद केजरीवाल कितनी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो देखिए इसका दो जवाब हैं, पहला ये कि जो ईडी दफ्तर पहुँचने के रास्ते हैं वो दो रास्ते हैं, एक 12 किलोमीटर का है, एक 14 किलोमीटर का है और करीबन 15 से 17 मिनट का वक्त इस वक्त दिखा रहा है पहुंचने के लिए। और इस हिसाब से जो तैयारियां हैं वो बहुत तेज कर दी गई हैं, मैं तस्वीरों के जरिए ही आपको दिखाना चाहूंगी। देखिए ये जो रास्ता है यहां पर डिप्लॉयमेंट कितना ज्यादा पुलिस का बढ़ा दिया गया है वो आप देखिए, बैरिकेड्स आपको नजर आएंगे। अब से कुछ मिनट पहले ही आला अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, मुआयना करने के बाद वो अंदर ईडी के दफ्तर वाले रास्ते पर गए हैं, अंदर चले पहुंच गई है ईडी के जो दाखिल जो कई सारे अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर आ सकते हैं और वो तमाम सवाल जिनके इर्द गिर्द पूरी राजनीति हुई है भ्रष्टाचार को लेकर आंदोलन होगी, तमाम जानकारियां जुटाई जाएंगी। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास से अब उन्हें ईडी दफ्तर लाया जा रहा है। ये गाड़ियों का जो काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, इन्हीं में से गाड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी मौजूद,
और उनके घर के आसपास इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं बल्कि कांग्रेस के लोग भी पहुंच गए हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।